लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का आज पटना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा पटना वाले घर से निकलेगी और उसके बाद 12:30 बजे दीघा के जनार्दन घाट पर राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके बेटे चिराग पासवान उन्हें मुखाग्नि देंगे। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम 7:55 पर पटना पहुंचा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रामविलास पासवान नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे। इस मौके पर नीतीश कुमार भावुक हो गए और बोले, रामविलास पासवान का काम हमेशा याद रखा जाएगा। इधर कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, हम सबों की कामना थी कि वे स्वस्थ हो जाएं, लेकिन वो चले गए। हम सब लोगों को काफी दुख है और उन्होंने युवावस्था से ही सेवा का काम किया है। बड़े पैमाने पर लोगों का उनसे संपर्क रहा है, हम सबों का भी बहुत पुराना संबंध रहा है और उन्होंने जो काम किया है उसको सब दिन याद रखा जाएगा। वैसे तो हर किसी को एक न एक दिन जाना है, ये अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से जाने पर तो भारी पीड़ा और तकलीफ होती है। इस बीच नीतीश की आंखों में नमी थी और चिराग पासवान भी इस मौके पर रो पड़े। LJP कार्यालय में इस दौरान शोक की लहर दौड़ गई। बता दें, रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार थे और दिल्ली के एम्स में उन्होंने 74 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली।